सो हाई एवरी वन, दिस इज समीर। आज इस वीडियो में हम लोग नाइन्थ में शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू दोनों पेपर एनालिसिस करने वाले, मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून शिफ्ट। और आज का पेपर कैसा था, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या थी और मिनिमम सेफ स्कोर क्या होना चाहिए अगर आपको अच्छे कॉलेज में CSIT ब्रांच में या फिर आपको टेक ब्रांच में अगर एडमिशन चाहिए, AI, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ये सब ब्रांचेस में अगर एडमिशन चाहिए तो मिनिमम आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारे चैनल पे, मैं अपने चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग के वीडियोस मैंने स्टार्ट कर दिए। ऑलरेडी डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो अपलोड हो चुका है, उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड किया है, आफ्टर एग्जाम आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको कॉलेज की लिस्ट बनानी चाहिए और बहुत सारे कॉलेजेस के वीडियोस, कॉलेज रिव्यू सीरीज भी जो है लॉन्च होने वाली है इसी चैनल पे। तो अगर आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम खत्म हो गए तो आपको ये नहीं सोचना है कि यहीं तक हमारी जर्नी थी। हमारी जर्नी जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, जब तक स्पॉट राउंड नहीं कंडक्ट हो जाते, इवन फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग तक हम लोग का, हम इस चैनल पे जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल वीडियोस में लेके आते रहूंगा। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, एंड अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि वहां पे एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक टास्क भी है, जो भी अपकमिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इन सबके आंसर्स जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है, जिनका एग्जाम कल है या फिर 15 मई 16 मई को है उन सभी स्टूडेंट्स को। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने विद ऑप्शंस जो है यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो ऐसे कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं तो डेफिनेटली उनके भी काफी अच्छे मार्क्स आते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने जो है विद ऑप्शंस यहाँ पे मेरे को क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये शिफ्ट वन मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस है केमिस्ट्री के। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, IUPAC एंड इसके भी ऑप्शंस दिए गए थे। अब इनका डिटेल जो है ना, नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री, 20 क्वेश्चंस मॉर्निंग शिफ्ट के, टोटल 20 क्वेश्चन विद ऑप्शंस मेरे को मिले हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर करने वाला हूँ, इस वीडियो के बाद आप सभी स्टूडेंट्स को टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा, इसके भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट द मोलार कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ग्राफिकली, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए, H2SO4, HNO3, CH3, COOH, KCl। देन यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, एक रिएक्शन दिया गया है कंबशन रिएक्शन, देन आपको फाइंड करना है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबशेल एटॉमिक नंबर 27 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिया गया है +2। यहाँ पे ABCD ऑप्शन दिए गए, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं अपकमिंग शिफ्ट में आपका एग्जाम है, आप सभी स्टूडेंट्स को आंसर करते जाना है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है, ये बी ऑप्शन मेरे को नहीं, बी ऑप्शन जो था वो पता नहीं कौन सा था, यहाँ पे वो दोनों जगह पे ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन दोनों सेम वो स्टूडेंट ने लिखा हुआ था, डी ब्रोगराइज हाइपोथिस, देन हाइजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, देन पॉलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ठीक है, देन फाइब्रस प्रोटीन क्या है, आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। देन यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करना था, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे एक दिया गया था एंड आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे फाइंड करना था, ओके, यहाँ पे तीन स्टेटमेंट मैंने लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 9, देन परसेंटेज ऑफ द अनरिएक्टेड रिएक्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन 90 सेकेंड हैविंग द रेट कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी गई है एंड आपको परसेंटेज फाइंड करना है, ABCD के ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। FCC आइटम्स है, सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल आपको फाइंड करना था, देन माल्टोस लिंकेज आपको फाइंड करना था, इसके लिए तो आपको ऑप्शन की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए माल्टोस लिंकेज बताने के लिए, टोटल वॉल्यूम के लिए भी आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं है, टीयर गैस में नंबर ऑफ CL एंड N कितने होते ये आपको फाइंड करना था। तो ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस से, और भी क्वेश्चंस है जो आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेंगे, इस वीडियो के बाद मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा वो सारे क्वेश्चंस, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आफ्टरनून शिफ्ट के, नाइन्थ में आफ्टरनून शिफ्ट के क्वेश्चंस थे, यहाँ पे देखो यूज ऑफ LCD स्क्रीन, एज लेंथ के ऊपर न्यूमेरिकल आया था, सेल कॉन्स्टेंट फाइंड करने को आया था, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट इन +2 स्टेट, यहाँ पे FeMnNi क्रोमियम था, देन स्वार्ट्स रिएक्शन एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आए थे, नेम रिएक्शन, फिरॉन 12 का केमिकल नेम क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर फ्रॉम COOH, COOR, SO3H,
देन उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर में से आया था एफसी, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना था एफसीसी यूनिट में, सिंपल क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 9 डिपेंडेंसी ऑफ हीट एनर्जी। ओके, और भी क्वेश्चन दिए गए थे, लाइक आपको एक क्यूमिन रिएक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था, वहां पे आपको फाइंड करना था बी प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, वो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। प्लस और दो तीन क्वेश्चन है जो अभी आफ्टरनून शिफ्ट में पूछे गए। अभी ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करूं मैं और मिनिमम सेफ स्कोर की बात करूं, अगर आपको टेक ब्रांच में एडमिशन चाहिए तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस देख लो, और इतने ही नहीं और सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने तो बस इतने ही क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और आपको दिनेश सर के चैनल पे लाइव जो है आप सभी स्टूडेंट्स को सोल्यूशंस भी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे आज मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस है। ये टेन ए बाई टू की वैल्यू 1/3 थी, टेन बी बाई टू की वैल्यू 2/3 थी, देन फाइंड टेन सी बाई टू, देन 1+cos x + cos² x प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 4, देन अप्रोक्सीमेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ई रेस टू एक्स माइनस 1 के ऊपर क्वेश्चन आया था, नेगेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था, लॉजिक गेट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, दैट इज पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू इज फॉल्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आए थे। ओवरऑल डिफिकल्टी की मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया थी, केमिस्ट्री जो है दैट इज सुपर ईजी। ओके, फिजिक्स के क्वेश्चंस मैंने नहीं डिस्कस किए, फिजिक्स के क्वेश्चंस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर क्वेश्चन आया है, टाइम पीरियड के ऊपर क्वेश्चन आया है, ओवरटोन के ऊपर क्वेश्चन आया है, एंटी नोड नोड फाइंड करने के ऊपर क्वेश्चंस आए, देन सर्किट के ऊपर क्वेश्चंस आए, काफी सारे क्वेश्चंस वो भी मिले, वो सारे क्वेश्चंस भी आपको सेंड किए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो फिजिक्स वॉज मॉडरेट, नॉट डिफिकल्ट, ओके, ये मॉडरेट ही था, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस थे, मोस्टली सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस थे, एंड मैथ्स वॉज डिफिकल्ट। ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स को आज फिर से मैथ्स डिफिकल्ट गया, एंड आज और एक चीज मेरे को, आज ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि भैया पूरा पेपर नहीं कंप्लीट हुआ है, कुछ कुछ क्वेश्चंस छूट गए, किसी के 7 क्वेश्चंस, किसी के 8 क्वेश्चंस, किसी के 10 क्वेश्चंस ऐसे छूट गए हैं आज के पेपर में। अब मिनिमम सेफ स्कोर की मैं बात करूं, अगर आप सभी स्टूडेंट्स को मैं मिनिमम सेफ स्कोर बताऊं कि अगर आपको सीएसआईटी में एडमिशन चाहिए वो भी टेक ब्रांच में, तो आप सभी स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स लगेंगे? देखो, सबसे पहली बात, अभी जो भी डिफिकल्ट शिफ्ट आ रही है तो वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, सारे जितने सारे स्टूडेंट्स है शिफ्ट में, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वो डिफिकल्ट शिफ्ट है। तो वहां का एक फायदा क्या होता है, एक बेनिफिट क्या होता है कि कम मार्क्स पे भी हमें अच्छे परसेंटाइल मिलते हैं। अगर सपोज आपका स्कोर 120 भी जा रहा है ना, तभी भी आपको टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। 120 पे आपको 95 अबव परसेंटाइल आते हैं। अगर वो शिफ्ट डिफिकल्ट है, अगर उस शिफ्ट में हाईएस्ट स्कोर इज नियर अबाउट 150-155 ऐसा अगर जा रहा है, तो नियर अबाउट आपको 95 तक परसेंटाइल आ सकते हैं, 120 इवन उससे ज्यादा भी आते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर काफी सारे स्टूडेंट्स को 130 मार्क्स पे 97.50% भी आए हैं, एंड वो आज टॉप 10 कॉलेजेस में सीएसआईटी ब्रांच में एडमिशन लिए। अगर मिनिमम सेफ स्कोर की अगर मैं बात, अगर आपका स्कोर 100 प्लस जा रहा है तो डेफिनेटली आप सभी स्टूडेंट्स को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। अगर आपका स्कोर 120 से 130 के रेंज में लाई कर रहा है तो डेफिनेटली आपको टॉप 10 कॉलेजेस में, तो आपको सीएसआईटी ब्रांचेस में एडमिशन मिलने के चांसेस है, टॉप 10 टू टॉप 15 कॉलेजेस में। ओके, एंड इससे रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोस में लेके आने वाला हूँ, जैसे कॉलेज रिव्यू सीरीज आने वाली है। आप सभी स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि भैया पुणे के कॉलेजेस को पहले कवर करो, तो पुणे के कॉलेजेस के ऊपर कॉलेज रिव्यू सीरीज भी आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखना, आप सभी स्टूडेंट्स को वहाँ पे अपडेट्स आते रहेंगे। तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टास्क जो है एडमिशन प्रोसेस, वो अभी तक बाकी है। एडमिशन प्रोसेस में आप सभी स्टूडेंट्स को कैसे जो है कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है, कैसे फॉर्म फिलिंग करनी है, वो सब कुछ मैं इस चैनल के थ्रू आपको गाइड करने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।